नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि कितने समय में 1200 रुपए का मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 1323 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है वह हम पहले लिख लेते हैं। पहले तो हमें मूलधन दिया है पी इक्वल 1200 रुपए। ठीक है, रेट दिया है 5% और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ फिर जो मिश्रधन बना है यानी कि ए बना है वह है 1323 रुपए। और समय हमसे पूछ दिया है कितने समय में कहा है, तो समय हमें निकालना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर भागे 100 और पावर किसकी है, टाइम की है। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर मिश्रधन है हमारा 1323 रुपये, 1200 रुपये है हमारा मूलधन, 1 प्लस दर है 5% भागे 100 और यहाँ टाइम हमें निकालना है, तो हमने टाइम का टी ही रख दिया। अब 1200 इसके नीचे आ जाएगा तो 1323 भागे 1200 बराबर, यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 1 प्लस 1/20 भागे टाइम तो रहेगा ही रहेगा। 3 से यहाँ काट देते हम, 3 चौक 12 तो नीचे 400 आ जाएगा, 3 चौक 12 3 एकम 3 तो 441 भागे 400 बराबर 20 एकम 20 21 21/20 हो जाएगा। वो पावर किसकी रहेगी, पावर रहेगी टाइम की। अब 441 21 का वर्ग है और 420 का वर्ग है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 21/20 का स्क्वायर बराबर 21/20 की पावर क्या रहेगी, टी। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी बराबर क्या निकल के आएगा, टी बराबर आ जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि जब अगर आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगी, तो टाइम निकल के क्या आ गया, टाइम निकल के आ गया 2 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।